हाँ जी प्रश्न आया है स्वर्णिम संगम युग और पुरुषोत्तम संगम युग में क्या अंतर है। स्वर्ण तो सोने को कहा जाता है, और सोने की दुनिया तो सतयुग कही जाती है। अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा है, और फाउंडेशन तो गुप्त में डाला जाता है। जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके फाउंडेशन डालते हैं, देखने में नहीं आता है। उसे स्वर्णिम नहीं कहेंगे। हाँ, जो फाउंडेशन के पत्थर बनते हैं, फाउंडेशन में ईंट पत्थर डाला जाता है, उस ईंट पत्थर पर दुर्मुट भी बजता है, फिर जो खिसक जाते हैं और दूसरे वो हैं जो रह जाते हैं स्थिरियम। तो जो स्थिरियम रह जाते हैं वो स्वर्णिम सुख का अनुभव करते हैं, फाउंडेशन में भी सुख का अनुभव करते हैं, परंतु एवरलास्टिंग सुख नहीं है। एवरलास्टिंग सुख तब होता है जब अंत में स्वर्ग का गेट खुलता है, तब कहेंगे वास्तव में स्वर्णिम संगम युग। अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं कौन कौन सी हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है, आत्माओं के बीच में चुनाव हो रहा है, नंबरवार उत्तम आत्माएं चुनी जा रही हैं, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग तो है, लेकिन स्वर्णिम संगम युग अभी नहीं कहेंगे। और ये आगे वाले नहीं सुन पा रहे हैं। लूले लंगड़े लोगों के स्वभाव स्वभाव संस्कार अच्छे लोगों से ज्यादा खराब होते। हाँ, लूले लंगड़े बने कैसे? अच्छे काम किए तब लूले लंगड़े बने, या बुरे काम किए तब लूले लंगड़े बने? बुरे काम करते हैं तो लूले लंगड़े बन जाते हैं, जैसे रुद्रमाला के मणके। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं तो बड़े आदमी हैं या छोटे आदमी हैं? जन्म जन्मांतर के बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी ज्यादा कुसंगत में गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं, या गरीब का बच्चा नीचे गिरता है कुसंगत में आता है तो ज्यादा नीचे गिरता है? बड़े होते हैं वो ज्यादा नीचे गिरते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं तो लूले लंगड़े बनते हैं।
और बाप के सुधाम और शांति धाम का रास्ता देते हैं, तो आत्माओं को शांति धाम जाने के लिए बाप गाइड करते हैं, लेकिन सुधाम जाने के लिए आत्मा को जाते हैं। बाप शांति धाम जाने के लिए बाप गाइड बनते हैं, लेकिन सुधाम जाने के लिए बाप गाइड नहीं बनते, आत्मा खुद चली जाती है। हमारे बेहद के दो बाप हैं कि एक ही है, तो दूसरा भूल जाता है, सिर्फ निराकार याद रहता है, साकार भूल जाता है। निराकार को स्वर्ग का वर्षा मिलता है या साकार को स्वर्ग का वर्षा मिलता है? तो साकार में निराकार को याद करना है। साकार में निराकार को याद करेंगे तो निराकारी ध्यान भी याद आएगा और सुखदाम भी याद आएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान दोनों पार्टियां अलग अलग हैं कि एक ही है? बेसिक में भी समझते हैं कि हम देवी बनने वाले हैं, वहां भी पूजा की थी कि नहीं की थी, और फिर बाद में डूबी जा की थी या नहीं की थी? अरे बेसिक में की या नहीं की, तो उसकी यादगार है। ऐसे ही एडवांस में भी देवियों की पूजा होती है, उनका मान मर्तबा बहुत बढ़ जाता है संसार में। लास्ट में जाकर के भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है, तो जो भगवान बाप को पहचानते हैं वो फिर देवियों की डूबी जा कर देते हैं। जैसे बेसिक से एडवांस में हुआ, ऐसे ही एडवांस में भी होना है। स्वर्णिम संगम युग के गेट खुलेंगे तो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें चलती हैं, जैसे देवियों की दो बार पूजा होती है साल में, तो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। अगर चैत में तो देवियों की पूजा होती है, अश्विन मास में डुबोते हैं, चैत मास में भी पूजा करते हैं, लेकिन अश्विन में डुबो देते हैं। तो हम कौन सा बेसिक है, कौन सा एडवांस है? चैत मास में पूजा करते हैं, देवी डुबाते नहीं और अश्विन में डुबोते हैं। हाँ, तो पहले पूरी डूबी है अभी, और डूबी है या दुनिया के हिसाब से और उत्थान हो रहा है? उत्थान हो रहा है। आखिरीन क्या होगा? आखिरीन पूरा ही डूबी जा हो जाएगा। और अन्य मंदिरों में देवी के चित्र या मूर्ति होती है, लेकिन एक वैष्णो देवी के मंदिर में पिंड रूप में क्यों स्थापित है? वैष्णो के मंदिर में वैष्णो देवी हाँ, वैष्णो देवी के मंदिर में ही केवल वैष्णो देवी पिंड रूप में क्यों स्थापित है, मूर्ति या चित्र के रूप में नहीं? ढेर की ढेर मूर्तियाँ शिव के मंदिर में होती है, और देवी देवताओं के मंदिर में इतनी मूर्तियां नहीं होती हैं। बात
बाबा जैसे देवी के अंदर मंदिर है ना देवियों के, उसमें देवी की मूर्ति दिखाना है या फूल चित्र दिखाते हैं, लेकिन एक वैष्णो देवी का मंदिर ही ऐसा है जहाँ वो पिंड रूप में विराजमान है, कोई मूर्ति भी नहीं है चित्र भी नहीं। तो संपन्न स्थित कब बनेगी? जब निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे या अधूरे होंगे? संपन्न तो तभी ही कहे जावेंगे जब निराकारी बने। निराकारी की यादगार है पिंड। और शालिग्राम की पूजा तो होती है पर समय फिक्स क्यों नहीं है? शालिग्राम की पूजा तो होती है पर उनका समय फिक्स क्यों नहीं है? शालिग्राम की पूजा होती है लेकिन उनका पूजा का समय फिक्स क्यों नहीं? टाइम फिक्स। देवियों की पूजा का टाइम फिक्स है, लक्ष्मी की पूजा का टाइम फिक्स है, गणेश की पूजा का भी टाइम फिक्स है, लेकिन जो निराकारी बन गया उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। शिव भी निराकारी है, शिव आते हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, निराकारी बनाते हैं। तो जो निराकारी बन गया उसका टाइम से परे हो गया या काल में बंधा हुआ है, हैं? वो काल से बाधित नहीं है, अकाल मूर्त हो गया, इसलिए टाइम की लिमिट नहीं रहती है। और रावण को बारूद क्यों मारते हैं? बेहद का बारूद। बेहद का बारूद अभी बम्बई में बेहद का बारूद निकला है कि नहीं निकला है? आठ बातें जो पोस्टरों में छपी हुई चारों ओर निकल रही हैं, ये बारूद नहीं है क्या? ये भी बारूद है। इस बारूद से लादेन मरता है। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के एक चित्र पर लिखा हुआ है, हैं? भारत के बनारस के विश्वनाथ मंदिर के एक चित्र पर लिखा हुआ था कि शिव को काशी का त्याग करना पड़ा, काशी का हाल जानने के लिए सूर्यदेव को भेजा, तो सूर्यदेव बादश रूप में वहीं पर थे। सूर्यदेव बादश रूप में वहीं पर फंस गए काशी में ही। हाँ हाँ, जो भी देवताओं को भेजा वो वहीं पर, वो वहीं के वहीं फंस गए। तो ये क्या आदि में पाठ बज रहा है या भविष्य में बजने वाला? तो बजने वाला है। अभी पूरी स्थापना तो होने दो। बच्चों के लिए बनाते हैं या अपने लिए बनाते हैं? बनाते किसके लिए हैं? बच्चों के लिए। तो क्या करना पड़ेगा बाबा काशी का? अरे जो बनाने वाला है वो अपने लिए बनाता है या बच्चों के लिए बनाता है? किसके लिए बनाता है? बच्चों के लिए बनाता है। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, परंतु उससे शिव का चित्र गुम कर देते हैं। जैसे मनुष्यों का सिर काटा जाता है, वैसे त्रिमूर्ति में शिव का सिर काट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? 32 मार्ग में त्रिमूर्ति शिव दिखाते हैं या त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखाते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा को दिखाई देते हैं, शिव का चित्र नहीं दिखाते हैं। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही फाउंडेशन पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी मेगा प्रोग्राम होने लगे, तो मेगा प्रोग्राम में
तीन मूर्तियों को पूरा ही उड़ाई दिया, किन का चित्र रख दिया गया, दीदी दादियों का चित्र रख दिया गया, तो सिर उड़ाई दिया ना। और ब्रह्मा और विष्णु का चित्र उड़ाई दिया होता तो ठीक था। वास्तव में जो शिव समान बनता है उसका तो आदिकाल से ही सिर उड़ाया हुआ है। अभी तो बताया बाप के बाद बच्चे गद्दी पर बैठते हैं। सतयुग में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा राज्य करेगी, बाद में वो आत्मा नीचे गिरती जाएगी या नारायण के पद पर ही रहेगी, ऐसे ही है। सूर्यवंशी ज्यादा तमो प्रधान तब बनते हैं जब भगवान ही धरती पर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रवंशी तमो प्रधान तब बनते हैं जब भगवान साकार रूप में आए। भगवान साकार रूप में आए। हाँ, भगवान साकार रूप में आते हैं। तो भगवान सन 36 में साकार रूप में नहीं आया क्या है? तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों तमो प्रधान नहीं थे? दोनों ही तमो प्रधान थे। सगीर माना क्या होगा उसकी मूर्ति नारायण का? सगीर माने पालेग। वाली जो आत्मा है वो संगम युग में कौन सा रूप धारण करती है? है? कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में रूप कौन सा धारण करती है? दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप धारण करती है। और दुनिया में जितने भी देहधारी धर्म गुरु हैं उनमें बड़े से बड़ा देहधारी धर्म गुरु शिवो हम मान के बैठ जाने वाला कौन है? रावण के चित्र में 10 सिर तो दिखाए हैं, लेकिन उनका बाप कौन दिखाया है? गधा दिखाया है। वो गधे का पार्ट किसका हुआ है? जिसका पार्ट हुआ वो रावण का रूप हो गया। तो जो रावण का रूप हो गया वो राज्य कहाँ करेगा? विदेश में करेगा या स्वदेश में करेगा? विदेश में राज्य करे। जब विदेश में राज्य करे तो कृष्ण वाली आत्मा को विदेश में दिखाना चाहिए, भारत में क्यों दिखाई दिया? दुर्मुठ जब बजता है तो क्या किसी एक विशेष स्थान पर लगता है? अभी फाउंडेशन की बात हो रही थी, नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है तो फाउंडेशन कहाँ लगता है? विदेशों में लगता है, भारत में लगता है,
या भारत में भी कोई स्पेशल स्थान है? कौन सा स्थान है? दिल्ली। तो दिल्ली में ही फाउंडेशन लगता है, दिल्ली के लिए ही गाया हुआ है। दिल्ली क्या बनती है? पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनती है। हाँ जी, ईश्वरीय कार्य में तन मन धन आने सुहाग्र परिवार अर्पण करते हैं। सुहाग्र का अर्थ क्या है? क्या सुहाग्र का? सुहाग्र, सुहाग्र बोला है कि ईश्वरीय कार्य में धन धान्य, तन मन धन समय संपर्क और संबंध, ऐसा है बाबा। धन धान्य सुहाग्र परिवार, धन धान्य सुहाग नहीं, सुहाग्र। सुहाग्र आपने कुछ गलत पढ़ लिया या गलत लिख लिया? सुहाग्र सुभाग सौभाग सुहर्द। सुहर्द माने मित्र संबंधी। मित्र संबंधियों की ताकत भी ईश्वरीय ज्ञान में अर्पण करनी पड़े। और शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते परंतु समझो, करके सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। कौन कहेंगे? अरे शंकर की बात हो रही है ना। शंकर से पूछेंगे तो कौन कहेंगे? शंकर ही कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है। सूक्ष्म वतन किसे कहा जाता है? सूक्ष्म वतन माने क्या है? सूक्ष्म स्टेज को ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सूक्ष्म स्टेज अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज, जिस स्टेज में आत्मा अपना शरीर को भूल जाए, देह के पदार्थों को भूल जाए, देह के संबंधियों को भूल जाए, या तो नई दुनिया में विचरण करे, स्वर्ग में विचरण करे, या तो ज्ञान की दुनिया में विचरण करे, या तो परमधाम की निराकारी स्टेज में रहे, नई नई बातों का मनन चिंतन मंथन करता रहे, उसे कहते हैं सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म स्टेज। तो ये मनन चिंतन मंथन करने का काम शिव बाबा का है या आत्मा का है? है शिव बाबा असोचता है या सोचता है? सोचने वाला, सोचने वाला है या मनुष्य आत्माएं सोचती है? मनुष्य आत्माएं सोचती है। तो शंकर का सूक्ष्म शरीर तो है लेकिन शिव बाबा उसमें उस समय प्रवेश नहीं करता है। लेकिन बताया कि ये सूक्ष्म शरीर हमने उधार लिया है, जो मनन चिंतनशील है उसमें प्रवेश करता हूं। उधार लिया है क्योंकि हमें कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। तो कौन सा शरीर उधार लिया है? स्थूल शरीर उधार लेते हैं या सूक्ष्म शरीर उधार लेते हैं? है स्थूल शरीर उधार लेते हैं। सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा आते हैं क्या? आते ही नहीं है। तो ये ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा जब तक प्रवेश न करे तब तक शंकर नाम भी सार्थक नहीं होता है। शंकर मिक्स को कहा जाता है या एक को कहा जाता है?
मिक्स का नाम शंकर है। जब प्रवेश करते हैं तभी तीनों पार्ट मिक्स होते हैं तभी शंकर कहा जाता है। हाँ जी, फिर मुझे ने बोला कि शंकर जन्म मरण चक्र से न्यारा माने निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। निश्चय हुआ माना जन्म हुआ, अनिश्चय हुआ माना मृत्यु हो गई। तो और आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। कृष्ण की आत्मा भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है, विष्णु का पार्ट न्यूट्रल बजाने वाली आत्मा भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। लेकिन है, लेकिन शंकर वाली जो आत्मा है वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आती। ये शंकर नाम शरीरधारी का है या आत्मा का है? है, शरीरों का ही नाम पड़ता है। आत्मा का नाम तो एक शिव शिव बाप का ही है जो कभी बदलता नहीं। वो बिंदु का ही नाम शिव है और पार्वती की कोई जोड़ी नहीं है, उनको युगल नहीं कहेंगे। सही बात है, भक्ति मार्ग में शंकर पार्वती की जो युगल जोड़ी दिखाते हैं वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार है? संपन्न स्टेज अभी बनी है, संपन्न स्टेज कहें या संपूर्ण वो असंपन्न स्टेज कहें, पुरुषार्थी स्टेज कहें? पुरुषार्थी स्टेज में ब्रह्मा की औलाद है, भाई बहन है या पति पत्नी है? भाई बहन है। इसलिए बोला कि शंकर पार्वती को युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को युगल जोड़ी नहीं कहेंगे ऐसे शंकर पार्वती को भी युगल जोड़ी नहीं कहेंगे। श्री देवी से भी ज्यादा प्योरिटी काशी में है। विजयमाला के हेड का आवन इसलिए करना पड़ता है कि वो बैलेंस में है। और रुद्रमाला के मण के पुरुष चोले हैं या स्त्री चोले हैं? माने स्वभाव संस्कार से कौन से चोले हैं? पुरुष चोले हैं। पुरुष अपने को विकारों के मामले में ज्यादा बैलेंस में रखते हैं या स्त्रियां ज्यादा बैलेंस में रखती हैं? बैलेंस में ज्यादा कौन रखते हैं? स्त्रियां रख सकती हैं। स्त्रियों के ऊपर ज्ञान का कलश दिया गया है, रुद्रमाला के मण के ऊपर ज्ञान का कलश नहीं दिया गया है। इसलिए विजयमाला का आवाहन करना है, रुद्रमाला के मणकों का आवाहन नहीं करना है। रुद्रमाला के मणकों में मुख्य है जगदम्बा, भले स्त्री चोला है तो भी स्वभाव संस्कार से क्या है? पुरुष है। मुर्दे को शमशान ले जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। तो क्यों नहीं कनेक्शन है? अभी सब मरने वाले हैं ना, अभी सबकी मौत सामने है या नहीं है? मौत सामने खड़ा है। तो जब सबका मौत आता है तो सबको उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जिनके एक दो जन्म है उनको भी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े और जिनकी 84 जन्म है उनको भी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े। और
चार पांच माह का गर्भपिंड होता है वो कीटाणु से तैयार होता है, कीटाणु से तो माँ का पिंड तैयार होता है कीटाणु से तैयार होता है। तैयार होता है क्या? अभी जो भी शरीर है उनमें कीटाणु नहीं है, वो पिंड भी कीटाणुओं से ही तैयार होता है। अभी भी शरीर के अंदर कीटाणु भरे पड़े हैं, एक एक बूंद में जब डॉक्टर देखता है यंत्र से तो कितने कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न ये था बाबा, कश्मीर में तो विकार नहीं होगा तो वहाँ कीटाणु भी नहीं होंगे, है कश्मीर में विकार नहीं होगा तो कीटाणु भी नहीं होंगे, तो वो मांस का पिंड किससे बनेगा? मांस का पिंड किससे बनेगा? खून से ही बनेगा। वहाँ खून शुद्ध होगा या मिक्स होगा? शुद्ध खून होगा। आज का खून तो मिक्स हो गया है, घर घर में वैश्यालय बन गया। तो जब घर घर में वैश्यालय बन गया, तुलसीदास ने आज से 500 वर्ष पहले ही बोल दिया, भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए, शूद्र हो गए। शूद्र उनको कहा जाता है जो व्यभिचारी बन जाते हैं। तो जब सब व्यभिचारी हो गए, जानवर बन गए, तो खून एक रह गया, पीढ़ी दर पीढ़ी एक खून रह गया या खून मिक्स हो गया। आज तो फसलों में भी एक दूसरे में मिक्स करके फसलें उगाने लगे, फसलों में भी व्यभिचार फैल गया। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, तो खून ही गंदा हो गया, संकल्प भी, संकल्पों का खून भी गंदा हो गया। जितनी प्रवृत्ति पक्की उतना नंबर ऊपर, और जितनी प्रवृत्ति कच्ची उतना नंबर नीचे। इसका मतलब क्या है? प्रवृत्ति एक के साथ होनी चाहिए या अनेकों के साथ होनी चाहिए? है, एक के साथ होनी चाहिए। तो कोई आत्मा है ऐसी जो एक के साथ 84 जन्म तक प्रवृत्ति पक्की रखती हो? है, कौन है? वैष्णवी। अगर जब विजयमाला के हिसाब से कहा जाए तो वैष्णवी है, और रुद्रमाला के हिसाब से कही जाए तो बाप का पार्ट है। वो बुद्धि के हिसाब से है, तन भल है, इंद्रियां भल है, अनेकों से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र रहती है। उसका नाम पड़ता है एकलव्य। ये तो एक परमात्मा बाप का ही पार्ट है कि तन अनेकों के संसर्ग संपर्क में आता रहे तो भी मन बुद्धि एकाग्र बनी रहे, कोई में लगाव पैदा न हो, कोई के साथ हिसाब किताब न बने। वो कौन सी आत्मा की बात हुई? अकर्ता जिसे कहा जाता है। कौन है अकर्ता? एक शिव ही अकर्ता है, जो इस सृष्टि पर आकर के एक को आप समान बनाता है, वो भी अकर्ता हो जाता है। सदैव के लिए 84 जन्मों के लिए, यह संगम युग की बात है, कब की बात है? 21 जन्मों की तो बात है, लेकिन खास संगम युग की बात है। और वार्तालाप में बोला है कि शूटिंग फेज में जब
लंबा का अंतिम पार्ट होगा तब उसके बुद्धि रूपी पेट में 33 करोड़ आत्माएं होती है। तो ये 33 करोड़ आत्माएं प्रवेश करने से बाबा की इमेज करने से प्रवेश करने की बात नहीं है, पालना लेने की बात है। राज करेगा खालसा, तो देवात्माओं के ऊपर राज्य करेगी या 500 करोड़ के ऊपर राज्य करेगी है? जो दैवी परिवार है, देवात्माओं का परिवार है, उसमें राज्य करने की बात है। इसलिए 33 करोड़ देवताएं कि शरीर एक प्रकार का राज्य है। कि शरीर का राजा कौन है? आत्मा राजा है। तो कामधेनु गाय दिखाई जाती है, उसका शरीर सारा राज्य है, उसकी आत्मा जैसे उसका राजा है, इसलिए वो चित्र बनाया हुआ है। और भगवान की भाषा तो हिंदी है, बाप हिंदी भाषी है, उसके बावजूद भी मुरली में कभी कभी इंग्लिश शब्द क्यों आते हैं? हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ढेर सारी भाषाओं को अपने में आत्मसात किए हुए है। संस्कृत के शब्द भी हैं, दक्षिणी भारत की भाषाओं के भी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के भी शब्द हैं और अंग्रेजी के भी शब्द हैं। ये परमात्मा बाप की भाषा है। परमात्मा बाप सबका है या एक का है? सबका है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते थे तब राम वाली आत्मा को इमर्ज करके वाणी चलाते थे, तो उस समय राम वाली आत्मा को कुछ अनुभव होता होगा क्या? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ? हाँ? अरे राम वाली आत्मा को इमर्ज किया बाबा ने वाणी चलाते समय, तो राम वाली आत्मा को अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए, लेकिन अनुभव होता था या नहीं होता था? नहीं हो सकता। जब तक आकर के दोबारा ज्ञान न ले, बेसिक कोर्स न उठाए, बाप का परिचय न ले बेसिक रूप में, तब तक वो आत्मा कुछ भी समझ नहीं सकती। हाँ, क्योंकि बाप ने इमर्ज करके बोला है, इसलिए वो वाइब्रेशन उस आत्मा में भरे हुए हैं। जिन वाइब्रेशन की उद्धृति ज्ञान में आने के बाद तेजी से होने लग पड़ती है, वो सारे महावाक्य मुरली के एक एक करके क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि बाप के वाइब्रेशन का फोर्स भरा पड़ा है। जब राम वाली आत्मा को ही अनुभव नहीं होता तो दीदी दादियों को कहां से अनुभव होता होगा? बाप की पूरी पहचान हो तो निरंतर याद होगी। तो पूरी पहचान माना क्या? पूरी पहचान माना सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक चौरासी जन्मों में
जो भी पार्ट बजाए हैं उस पार्ट के साथ जिसका पार्ट नुदा हुआ होगा जन्म जन्मांतर में, वो पूरा पहचानेंगे या दूसरी आत्मा पे ज्यादा पहचानेंगी? है जिन्होंने जन्म जन्मांतर साथ निभाया है, साथ रहे हैं, उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिन्हें पहचानने में कठिनाई नहीं होती है उनकी याद भी सहज होगी या कठिन होगी? सहज हो जाएगी। बोला है कि ब्राह्मणों का ताल इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकेंगे और एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे। 33 करोड़ कोई कम होते हैं क्या? 33 करोड़ देवताएं बनेंगे या नहीं बनेंगे? 33 करोड़ देव आत्माएं परम धाम से कलयुग के अंत तक नीचे उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? तो कितना बड़ा झाड़ हो जाएगा। और प्रश्न आया है, शंकर अपनी जटाएं खोलने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? बताओ, कौन सी आत्मा का आह्वान होता है तो शंकर की जटाएं खुल जाती हैं? है विजय माला, है विजय माला का आह्वान होता है तो जटाएं खुल जाती हैं। शास्त्रों में या चित्रों में ऐसे दिखाया है? कौन सी कथा है, है कौन सी कहानी है जिसमें जटाएं खुली हुई दिखाई गई हैं? किसका आवाहन होता है? गंगा का अवतरण होता है तो जटाएं खड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो मुरली में बोला है गंगाएं ज्ञान गंगाएं कब निकली? आज में निकली, मध्य में निकली या अंत में निकलती है? अंत में निकलती है। आदि सो अंत कहा जाता है तो आदि में क्यों नहीं निकलती? आदि में भी निकलती तो है परंतु आदि में पार्ट प्रत्यक्ष नहीं होते हैं और अंत में पार्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रुद्रमाला में पटरानियां कैसे निकलती है? अरे रुद्रमाला के पटराणा है या पटरानियां है? वो तो राजाओं का पार्ट है। स्वभाव संस्कार से राजाएं हैं या रानियां हैं? कंट्रोल में रहने वाली हैं या कंट्रोल करने वाले राजाएं हैं? रानियां अधीन होती हैं या अधिकारी होती हैं? रानियां तो अधिकारी नहीं होती हैं, अधीन होती हैं। और रुद्रमाला के मणकों का स्वभाव संस्कार अधीन होने का नहीं है क्योंकि उनको बाप मिला है, बाप आया है राजा बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए। तो रुद्रमाला में नहीं पटरानियां होती हैं। रुद्रमाला के मणके
जब विजयमाला में ऐड हो जाते हैं तो प्रत्यक्षता हो जाती है। ये बॉम्बे से जो प्राप्त स्टिकर मिले हैं, बॉम्बे से जो प्राप्त स्टिकर हुए हैं, ब्रह्मा कुमारिया बताए नहीं तो हम बताए, इसमें छठवां पॉइंट है कि अनेक मठ पंथों द्वारा गीता की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी है, तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार गीता की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती, थोड़ा इसका क्लेरिफिकेशन बताइए। अरे पूछा है, हो सकती है या नहीं हो सकती? जब सभी धर्म मठ पंथ वालों ने गीता के अनुसार गीता को अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी है, तो ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान, ब्रह्मा कुमारियां अपना ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान बताती हैं या आसुरी ज्ञान बताती हैं? ईश्वरीय ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो ये है, तो सच्चाई के आधार पर गीता क्लियर नहीं होनी चाहिए। गीता पुराने से पुराना शास्त्र है या दूसरे वेद शास्त्र पुराने हैं? जो पुराने से पुराना है वो सतो प्रधान होगा या तमो या रजो प्रधान होगा? है सतो प्रधान था, सबसे सतो प्रधान शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, इसलिए गीता की टीकाएं सब धर्म वालों ने की है, मठपंथ वालों ने की है। तो जो सच्चा ज्ञान है जिसको हम ठोक ठोक के कहते हैं कि हमारा ईश्वरीय ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो वो सच्चा ज्ञान के अनुसार गीता की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती? है यज्ञ के आदमी भी क्या करते थे? है गीता पढ़ करके सुनाते थे, गीता के अर्थ करते थे। तो आदिकाल में ही जब गीता सुनाते थे तो आदि में स्वंत में भी होगा, मध्य में भी बात कुमार का दादी की बुद्धि में आई कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में सेंटर में ये घोषणा कराई, ये कोई बीड़ा उठावे कि गीता की व्याख्या, गीता के श्लोकों की व्याख्या ज्ञान के अनुसार करे। ज्ञान के अनुसार गीता की व्याख्या हुई भी, शुरुआत थी, जब तक फाइल बन करके तैयार हुई तो बनाने वाले से झगड़ा हो गया। निकाल के बाहर कर दिया गया। तो जो कार्य होना था वो हुआ या अटक गया? अटक गया। यमुना को रुक्मिणी, जगदम्बा को जामवंती और गंगा को मुरली में सत्यभामा कहा गया है, तो ये सब रुद्रमाला के मणके है ना? माने पूछने का मतलब है कि ये रुद्रमाला के मणके क्या पटरानिया नहीं है? हैं तो पटरानी, लेकिन संसार में या ब्राह्मणों की दुनिया ने क्या इनको स्वीकार कर लिया? पुरुषार्थ संपन्न हो गया या अधूरा है? है अधूरा है। संपन्न स्टेज जब तक पुरुषार्थ की नहीं होती है तब तक आठ पटरानियों के पार्ट भी नहीं खुलने वाले हैं। अभी अष्टदेवों के पार्ट ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो आठ पटरानियों के कैसे पक्के कहे जाएं? बाप के पार्ट पर ही निश्चय निश्चय होता रहता है, तो पटरानियों के पार्ट पर पक्का निश्चय कैसे हो सकता है?
भगवान साधारण रूप में आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, तो क्या हमेशा गुप्त ही रहेंगे क्या? भगवान का कोई असाधारण रूप भी होता है क्या? होता है या नहीं होता है? हैं? कब होता है? जब संसार में जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकलता है कि हमारा बाप आ गया, तो साधारण रहा या असाधारण हो गया? असाधारण हो गया। इसलिए अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराया है, वो ही असाधारण रूप है। त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि में जो विनाश हुआ उसमें जो मरे वो तेल के कुएं बन गए। ये किसने कहा? ये किसने कहा? अरे मुरली में कहा, मुरली में सुना किसी ने? है त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि में अर्ध विनाश में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा वो तेल के कुएं बन गए। आत्मा सदैव चैतन्य रहती है या कभी जड़ बन जाती है? है जड़ बनने की तो बात ही नहीं है। तेल का कुआं और घी के कुएं में क्या अंतर है? है जो घी है वो शुद्ध कहा जाता है और तेल अशुद्ध चीज है। उस तेल की भी रिफाइनरी भारत में है, विदेशों में इस्लाम कंट्रीज में जो भी तेल निकाला जाता है उसकी रिफाइनरी कहाँ होती है? भारत में है। चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, तो जो दूसरे दूसरे धर्म के नारायण हैं, आधार मूर्त, वो तेल के कुएं कहे जाएंगे या घी के कुएं कहे जाएंगे? ज्ञान में मिक्सरिटी करते हैं या नहीं करते हैं? ईश्वरीय ज्ञान में मिक्सरिटी कर देते हैं, इसलिए वो तेल के कुएं हुए। अष्टदेवों में से अन्य जो सात हैं उनको नारायणी नशा आधार मूर्त मड़कों का होगा क्या? या अपना ही नारायणी नशा होगा? जब आधा साझा हो जाता है, अंधे और लंगड़े की कहानी है ना, नदी पार करने के लिए, तो दोनों ही पार कर लेते हैं या रह जाते हैं? दोनों ही पार करते हैं, तो आधा साझा हुआ ना। जब आधा साझा हुआ तो बराबर प्राप्ति के अधिकारी हो गए या कोई ज्यादा कोई कम प्राप्ति का अधिकारी हुआ? है बराबर की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। इसलिए एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। नारायणी नशा कहा जाता है। जैसे नारद का विशाल है, वर ने चला लक्ष्मी को, चेहरा भले बंदर का था लेकिन नशा क्या चढ़ा हुआ था?
है, मैं नारायण ही को वरूंगा। तो ये नशे की बात है। शिव को शक्ति का नशा होता है और शक्ति को शिव का नशा होता है। क्या है सासु नाम से कुंभ राशि आती है, ये कौन से ज्योतिषी निकल पड़े? ये क्या है ससुरा सासुरा से है? अरे इसको क्लियर तो करो तब तो बात समझ में आए। लो बाबा देवों की मुझे में बोला है कि इस्लाम में पहले मरेंगे चाहे हर हो या बेहद हो और मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे। मुसलमान बाबा की वाणी हद और बेहद दोनों में लागू होती है या सिर्फ हद या बेहद में लागू होती है? है मरना बेहद में भी होता है। बेहद में मरना किसको कहा जाता है? देहबान से मरना। तो देहबान से कौन सा डिपार्टमेंट है जो देहबान से मरा हुआ होता है? है कोई एक डिपार्टमेंट है आज की दुनिया में भी? हर एक देश में वो डिपार्टमेंट होता है। जिनकी शर्त ये होती है कि देहबान से मरें, मरते तो नहीं है लेकिन औरों के मुकाबले और डिपार्टमेंट्स के मुकाबले कहा जाता है कि वो ज्यादा मरे हुए हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट सुना? मिलिट्री में कौन भर्ती किए जाते हैं? जो मरने से डरते हो वो भर्ती किए जाते हैं या जो मरने से नहीं डरने वाले हैं वो भर्ती किए जाते हैं? जो मरने से नहीं डरते हैं वो ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये रूहानी मिलिट्री का डिपार्टमेंट रहे। समझ में आ गई बात? अरे क्या पूछा है? स्वामी पहले मरेंगे चाहे हद हो या बेहद। हाँ मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे क्योंकि जो इस्लामी हैं वो किसकी औलाद हैं? अरे कौन से धर्म के बाद इस्लामी आते हैं? है चंद्रवंशियों के बाद। तो चंद्रवंशियों की औलाद हैं इस्लामी क्या? तो रामवाली आत्मा का बच्चा कौन हुआ? है कौन हुआ? इस्लामी। चंद्रवंश के बाद जो धर्म आता है जिसका राज्य आता है वो इस्लाम धर्म है। तो बाप सबसे जास्ती सहयोग किससे लेता है अपने जीवन में? बच्चे से लेता है। शास्त्रों में दिखाया गया लव और कुश। लव का पार्ट हुआ इस्लामियों का और कुश का पार्ट हुआ क्रिश्चियंस का। वैसे भी देखा जाए कि धर्म के ऊपर आंखें बंद करके कौन चलते हैं?
कोई धर्म है जो धर्म के जुनून में चलने वाले हैं? सोचते समझते कुछ नहीं, बस कुरान में ऐसा कहा है तो उसे कोई मानेंगे, दूसरी बात नहीं सुनेंगे किसी की। जैसे मिलिट्री में कमांडर की बात सुनते हैं, छोटे मोटे अधिकारियों की बात नहीं ध्यान देते। ऐसे मानेंगे अपने से ऊंचे अधिकारी को, लेकिन ऊंचे से ऊंचा अधिकारी जब डायरेक्शन दे गया तो उसी की बात मानेंगे। तो ऐसे ही कि इस्लामी हैं, इस्लाम धर्म की चाहे बीज रूप आत्माएं हों, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हों, वो पहले देहवान को छोड़ेंगे। बाबा, जो बुद्ध वाली आत्मा होती है वो तो बाबा जब वनवास के जाते हैं तो लक्ष्मण साथ में जाते हैं ना, लक्ष्मण साथ में जाते हैं ना राम के, तो फिर ये जब ये युग आता तो फिर मानते क्यों नहीं है? वो अलग क्यों हो जाते? कौन लक्ष्मण? बौद्ध लोग खिलाफ क्यों हो जाते? खिलाफ क्यों हो जाते हिंदू? बौद्ध लोग खिलाफ क्यों हो जाते? माने मानते नहीं। क्या नहीं मानते? देवी देवताओं को नहीं मानते बौद्ध लोग जो हैं? लक्ष्मण बन के साथ देते हैं राम को, तो फिर अभी ये युग में तो मानना चाहिए ना देवी देवताओं को। देवी देवताओं को कैसे मानेंगे? अलग क्यों? लक्ष्मण वाली जो आत्मा है वो धर्म से कनेक्टेड है, और धर्म से कनेक्टेड है। उनका कहना है कि वो मानते क्यों नहीं देवी देवताओं को अभी वर्तमान समय में? फिर तो आप ये कहेंगे कि भरत क्यों नहीं मानता देवी देवताओं को? अकेला एक लक्ष्मण ही भाई थोड़े ही है, भरत भी तो भाई है और शत्रुघ्न भी तो भाई है। जी वो भाई तो है, लेकिन साथ में नहीं गए ना त्याग करके, तो लक्ष्मण साथ गए ना। हाँ तो साथ में ही तो है, बौद्ध भारतवासियों के ही तो साथ है। बौद्ध आए हैं तो जन्म कहाँ से लिया महात्मा बुद्ध ने? भारत से ही जन्म लिया या कहीं दूसरी जगह से जन्म लिया? भारत से ही जन्म लिया। और कुंभ माना क्या होता है? कुंभ माने ज्ञान का कलश, कुंभ माने घड़ा। हाँ बोलो बोलो, आप क्या कोई प्रश्न था कोई ऐसा? हाँ क्या पूछना चाहते है? राशि कुंभ राशि आती है तो इसके महीने आपने क्या पूछा इसमें, वही तो बताओ। लिख के देने से आप समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो पूछ रहे हैं। कुंभ माना घड़ा, ज्ञान का कलश। ज्ञान कलश को ही कुंभ कहा जाता है। और चलो टाइम हो गया। है हमको काय के लिए धुकन लग जाएगी? हम कोई भगत हैं जो हमें साक्षात्कार की धुन लगेगी? भक्तों को साक्षात्कार अच्छा लगता है या ज्ञानियों को अच्छा लगता है? हैं? साक्षात्कार की इच्छा कौन करेंगे, भगत करेंगे या ज्ञानी तू आत्माएं करेंगे? भगत करेंगे, हमें तो साक्षात्कार रोज ज्ञान के आधार पर होता रहता है। नाम पर कुंभ कैसा पड़ता है? नाम पर कुंभ राशि कैसी पड़ती है? अरे इन्होंने कहा बात घुस ली। वो बुद्धि के साक्षात्कार की बात है। अभी बहुतों को बुद्धि का साक्षात्कार नहीं हो रहा है क्योंकि मनन चिंतन मंथन नहीं चल रहा है। अंत में सबका मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ेगा।
तो अनेक जन्मों के साक्षात्कार भी बुद्धि से होने लगेंगे। नहीं, वो भक्ति की शूटिंग वाले तो बाद में जानेंगे कि हमारे जन्म कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। पहले ज्ञानी तो आत्माओं को पता चलेगा। बुद्धि का साक्षात्कार अलग है और बंद आंखों का साक्षात्कार अलग है। आपसे बुद्धि का था कि मुसलमानों को धर्मी का रास्ता मिला है। मुसलमानों को धर्मी का रास्ता मिला। धर्मी 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 और धरणी किसे कहा जाता है? वो कन्याओं माताओं का आधार लेकर के आगे चलते हैं। और क्रिश्चियंस, उनका दिमाग तीखा होता है या नहीं तीखा होता है? तो ज्ञान के आधार पर चलते हैं। ओम शांति।